टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट रिनफोज सीमेंट कंक्रीट आर सब्जेक्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ आर तो अगर मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट की तो बेसिकली जो हमारा रिनफूज सीमेंट कॉन्क्रीट है इसमें आपका दो चीजें हो गया फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सीमेंट कॉन्क्रीट एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज स्टील री एनफोर्समेंट स्टील री एनफोर्समेंट री एनफोर्समेंट जो है ये स्ट्रांग होती है टेंशन में स्ट्रांग इन टेंशन और ये आपका स्ट्रांग होता है स्ट्रांग इन कंप्रेशन मीन्स टेंशन रेजिस्ट करने के लिए हम लोग रिइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं एंड कंप्रेशन रेजिस्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं सीमेंट कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं रिइंफोर्समेंट फैक्ट्री मैन्युफेक्चर्ड होता है फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड होता है इसलिए इसमें डिफेक्ट आने के चांस कम रहते हैं सीमेंट कॉन्क्रीट जो है यह मैनुअली मैनुफैक्चर किया जाता है मैनुअली मैन्युफैक्चर्ड मैनुअली का मतलब यह नहीं है कि यहां पर इंसान इसको बनाते हैं ना मान लीजिए बैचिंग प्लांट पे बात करेंगे तो बैचिंग प्लांट पर भी कमांड जो देगा ऑपरेट जो करेगा वो तो मैनुअल मैन्युफैक्चर्ड आ गया तो बेसिकली एट बैचिंग प्लांट बेचिंग प्लांट पर मैन्यू मैन्युअली मैन्यूफेक्चर्ड अब जो सीमेंट कॉन्क्रीट हमारा है सीमेंट कॉन्क्रीट जो है इसमें हमारा सीमेंट होता है फाइन एग्रीगेट होते हैं फाइन एग्रीगेट्स एंड आपके कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं तो यू कैन से सी इज टू एफ इज टू ए सीमेंट फाइन एग्रीगेट्स फाइन एग्रीगेट्स का बेसिक एग्जाम्पल आपका सेंड हो गया जो आपकी सेंड है पहले सेंड की बात कर लेता हूं या फिर पहले सीमेंट की बात करते हैं सीमेंट आपकी जनरल केस में जो सीमेंट है आपकी वो आपका ओ पी सी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अब इसमें 33 ग्रेड सीमेंट होती है 43 ग्रेड सीमेंट होती है एंड 53 ग्रेड सीमेंट रहती है तीनों ग्रेड्स के लिए आपका जो बेसिक आई कोड यूज होता है आई कोड नंबर टू सिक्स नाइन टू जीरो वन फाइव और एक हमारा होता है पीपीसी पीपीसी पोर्टलैंड पोजोलोनिक सीमेंट पोर्टलैंड पोजोलोनिक सीमेंट इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं पहला आपका फ्लाई एस बेस्ड एंड दूसरा आपका कैल्साइंड क्ले बेस्ड आपका फ्लाई एस बेस्ड एंड कैल्साइंड क्ले बेस्ड जनरल केस में अब हम बात करते हैं फाइन एग्रीगेट्स और सेंड की जो सेंड है आपकी वो आपका जोन नंबर वन जोन नंबर टू जोन नंबर थ्री एंड जोन नंबर फोर कैटेगरीज में डिवाइडेड है बेसिकली जो सेंड है एक प्रकार से फाइन एग्रीगेट है तो इसका साइज लेस देन और इक्वल टू फोर पॉइंट सेवन फाइव एम एम होता है जोन नंबर वन में जो सेंड पाई जाएगी उसको कोरस सेंट बोलेंगे जोन नंबर टू में जो सेंड पाई जाएगी मीडियम सेंट बोलेंगे जोन नंबर थ्री में फाइन सेंट बोलेंगे और जोन नंबर फोर में आपकी वेरी फाइन सेंड लेकिन टेस्टिंग पर्पस के लिए आपका एनोर सेंड यूज होता है इनके बियड ये आपके कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए हो गए और टेस्टिंग पर्पज के लिए आपका मान लीजिए सीमेंट की टेस्टिंग करवानी है तो टेस्टिंग पर्पज के लिए आपका एनोर सेंड यूज होता है अभी हमारा कोर्स एग्रीगेट्स बचा हुआ है बताता हूं अगर मैं जनरल बात बोलता हूं फॉर टेस्टिंग परपजेज टेस्टिंग पर्पजेज के लिए आपका एनोर सेंड यूज होता है एज पर आई एस कोड नंबर 650. सौ पचास एनोर सेंड भी आपका तीन प्रकार का होता है ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री ग्रेड थ्री में जो साइज रहता है जीरो पॉइंट जीरो नाइन एम एम से जीरो पॉइंट फाइव एम एम ग्रेड टू में जो साइज रहता है जीरो पॉइंट फाइव एम एम से वन एम एम एंड ग्रेड वन में जो साइज रहता है वन एम एम से टू एम एम यह आपकी एनोरस सेंड है तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं सीमेंट कंक्रीट की तो सीमेंट कंक्रीट में सीमेंट था सेंड था और एग्रीगेट्स था सेंड मैंने आपको बता दिया अब हम बात करते हैं एग्रीगेट्स की तो एग्रीगेट्स जिनका साइज 4.75 पॉइंट से बड़ा होगा वो एग्रीगेट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं जनरली कंस्ट्रक्शन साइट पर 10 एम एम एंड ट्वेंटी mm एग्रीगेट्स का यूज किया जाता है आर कॉमनली यूज बेसिकली सीमेंट सैंड एग्रीगेट और यू कैन से सीमेंट इज टू फाइन एग्रीगेट इज टू कोर्स एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट डिवाइडेड बाय कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट टू द कोर्स एग्रीगेट का रेशियो वन इज टू टू का जनरली प्रेफर किया जाता है वाटर सीमेंट रेशो क्योंकि कंक्रीट बनाने के लिए वाटर की जरूरत भी पड़ेगी और एडमिक्सचर्स की जरूरत भी पड़ेगी तो इसको आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे चलते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी वाटर और आपका एडमिक्सचर्स के बारे में मेरे को बताना है ओके तो अगर मैं बात करता हूं वाटर की क्वांटिटी का तो ये आपका एज पर वाटर सीमेंट रेशो और वाटर सीमेंट रेशो को डिसाइड करने के लिए आपका जो लॉ यूज होता है एब्रेम्स वन 7 पावर लॉ यूज होता है जो कि वर्केबिलिटी डिसाइड करता है किसी भी ए, ए, कंक्रीट की सीमेंट कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी डिसाइड करता है एब्रैम स्लो जनरल केस में आई एस कोड नंबर फोर फाइव सिक्स के अनुसार वाटर सीमेंट रेशो पॉइंट थ्री एट टू पॉइंट सिक्स जीरो होता है लेकिन ज्यादा वाटर सीमेंट रेशो केवल अप्रैल मई और जून के महीने में एडॉप्ट किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पर बाकी आपका मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो वाटर सीमेंट रेशो रहता है वो आपका जीरो पॉइंट फोर जीरो रहता है जीरो पॉइंट फोर जीरो इज कॉमनली यूज वाटर सीमेंट रेशो बाकी आप अगर जीरो पॉइंट फोर फाइव तक भी जाते हैं तो यह आपका जनरल केस में अप्रैल मई एंड जून मंथ में जहां पर टेम्परेचर की वैल्यू हाई होती है टेम्परेचर ज्यादा होता है इस वजह से कहीं आपका पानी जल्दी आपका सोख ना जाए इस वजह से आपका वाटर सीमेंट रेशो थोड़ा सा ज्यादा लिया जाता है अब हम बात करते हैं एडमिक्स की एडमिक्सचर्स की यहां पर आपके दो प्रकार के एडमिक्सर्स होते हैं एक्सीटर्स एंड दूसरा आपका रिटार्डर्स इनका बेसिक फंक्शन आपका वर्केबिलिटी कंट्रोल करना होता है सेटिंग टाइम कंट्रोल करना होता है फॉर एग्जाम्पल बैचिंग प्लांट आपकी साइट से आपकी साइट से बैचिंग प्लांट जो है मान लीजिए वो तीन किलोमीटर की दूरी पर है एंड वहां से कंक्रीट बन गया अब आप सभी लोग जानते हैं सीमेंट का इनिशियल सेटिंग जो होता है सीमेंट का जनरल कंडीशंस में इनिशियल सेटिंग टाइम आपका 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए एंड फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट का शुड नॉट बी मोर देन 600 हंड्रेड मिनट्स तो अगर वो 30 मिनट तक वो गाड़ी तक वो सीमेंट कंक्रीट अगर मिक्सर में रह गया भाई कोई भी कंडीशन हो सकती है बैचिंग प्लांट से निकला और मान लीजिए रास्ते में जाम मिल गया तो जाम के कारण वो आपका ट्रांजिट मिक्सर में टीएम के अंदर रह गया तो क्या करना पड़ेगा तो एडमिक्सर तो डालना पड़ेगा ना अब एडमिक्सर नहीं डालेंगे तो क्या होगा कंक्रीट वहीं पर सेट हो जाएगा वो हमारे किसी काम के ही नहीं रहेगा तो इसीलिए हम लोग एक्सेलरेटर एंड रिटार्डर्स का यूज करते हैं सेटिंग टाइम को बढ़ाने या घटाने के लिए जनरल केस में एडमिक्सर्स का जो अमाउंट रहता है जीरो पॉइंट टू परसेंट से लेकर के पांच परसेंट ऑफ सीमेंटीसी कंपाउंड सीमेंटीसी कंपाउंड मतलब कहने का सीमेंट हो गया फ्लाई हो गया सीमेंट कह सकते हैं फ्लाईएस कह सकते हैं एट एक्स्ट्रा इन सभी का जीरो पॉइंट दो से जीरो पॉइंट पांच परसेंट सॉरी फाइव परसेंट लेते हैं बट कॉमनली एडोप्टेड जो आपका कंस्ट्रक्शन साइट पर कॉमनली एडोप्टेड एडमिक्सर का अमाउंट रहता है वो रहता है जीरो पॉइंट नाइन परसेंट इज कॉमनली एडोप्टेड कॉमनली एडोप्टेड एट साइट साइट पर जीरो पॉइंट नाइन परसेंट आपका कॉमनली एडोप्टेड रहता है एडमिक्सर तो ये था हमारा बेसिक्स अब हम लोग बात करते हैं कंक्रीट के ग्रेड्स की इतना नोट कीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए हाँ एक बात और जो आप वाटर यूज करोगे उसका पीएच वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन सिक्स एज पर आई एस कोड नंबर चार सौ छप्पन के अनुसार पीएच वैल्यू आपकी छह से कम नहीं होनी चाहिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं ओके okay? आई तो देखिए ध्यान से हम लोग पहले अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर में पार्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों को दो ही आर्टिकल डिस्कस करने हैं पहला आर्टिकल हमारा सीमेंट कंक्रीट चल गया है अब जितना भी डिस्कशन चलेगा सारा सीमेंट कॉन्क्रीट के बारे में चलेगा और दूसरा आर्टिकल हमारा स्टील रिइंफोर्समेंट होगा तो दूसरे आर्टिकल में हमारे केवल स्टील रिइंफोर्समेंट चलेगा यह बात आप लोग याद रखिएगा तो अगर मैं जनरल बात बोलता हूं सीमेंट कॉन्क्रीट की तो सबसे पहला हमारा आर्टिकल इसके अंदर आर्टिकल है आरसीसी बेसिकली दो प्रकार का होता है सीमेंट कॉन्क्रीट दो प्रकार का होता है एक तो आपका साइट पर बनाया जाए दैट इज कास्ट इन सी टू और एक आपका बैचिंग प्लांट पर बनाया जाए तो वन इज कॉल्ड एज कास्ट इन सी टू दैट इज एट साइट एंड दूसरा आपका एट बैचिंग प्लांट एट बैचिंग प्लांट पहला बात दूसरा बात जो हमारे ग्रेड्स ऑफ अ कंक्रीट हैं। एक बात तो आप याद रखिएगा कम से कम जो ग्रेड है मिनिमम ग्रेड मिनिमम ग्रेड फॉर आरसीसी वर्क्स, आरसीसी वर्क्स के लिए मिनिमम ग्रेड आपका एम ट्वेंटी है आपसे पूछा गया इंटरव्यू में क्वेश्चन आईएस एस चार सौ छप्पन उन्नीस सौ अठहत्तर के अनुसार भी और आई एस चार सौ छप्पन दो हजार के अनुसार भी जो आपका आई एस चार सौ छप्पन नाइनटीन सेवेंटी एट है इसको हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड कोड बोलते हैं एंड इसको हम लोग लिमिट स्टेट मेथड कोड बोलते हैं ये लिमिट स्टेट्स पर डिपेंडेंट है और ये आपका वर्किंग स्ट्रेस पर डिपेंडेंट है तो आई एस चार सौ छप्पन दो हजार के अनुसार बिकॉज वी आर मेनली फोकस्ड ऑन पार्टिकुलरली लिमिट सेट्स मेथड इन आवर दिस पार्टिकुलर डिस्कशन तो ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट में आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट ऑर्डिनरी कंक्रीट आप कह सकते हैं एम टेन से एम ट्वेंटी ऑर्डिनरी कंक्रीट एम टेन से एम ट्वेंटी आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट नाम सजेस्ट क्या कर रहा है कि स्टैंडर्ड मीन्स मोस्टली यूज्ड मोस्टली यूज फॉर स्ट्रक्चर्स वो आपका कंक्रीट है जी एम ट्वेंटी फाइव टू एम सिक्सटी तो एम का मतलब क्या है एक ऐसा मिक्स एक ऐसा मोर्टार एक ऐसा मिक्स एक ऐसा मोर्टार जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जिसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ टेन मेगापास्कल से ट्वेंटी मेगापास्कल के बीच में लाई कर रही है ऐसा मिक्स हुज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मैं केवल इसी के बारे में बता देता हूं आपको सब बराबर समझ में आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज ट्वेंटी मेगा पास एक मेगा में वन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेयर वन पास्कल में वन न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर वन न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर बड़ी यूनिट होने के कारण यह आपका प्रेशर मेजरमेंट के लिए काम आती है छोटी यूनिट होने के कारण या आपका स्ट्रेस मेजरमेंट के काम आती है हां जी स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड कंक्रीट इज एम ट्वेंटी टू एम एंड यू कैन से हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एग्जांपल भूर्ज खलीफा एग्जांपल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन तो आपका एम सिक्सटी टू एम ग्रेड्स तक आपका जनरल केस में हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की कैटेगरी में रखा जाता है पीएच मैंने आपको बता दिया है तो इसको नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं ओके okay, हां जी आइए So, थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं अबाउट कंक्रीट के लिए आइएगा अगर मैं बात करता हूं देखिएगा प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो है वो आपका दो प्रकार का होता है प्री टेंश एंड पोस्ट पोस्टेंसेंड कंक्रीट के लिए मिनिमम ग्रेड आपका एम थर्टी एंड प्री टेंसेंड के लिए मिनिमम ग्रेड आपका एम फोर्टी पहली बात कोस्टल एरिया ऐसा एरिया विच इज एक्सपोज टू सी विच इज एक्सपोज टू वाटर कंडीशन तो कोस्टल एरिया कोस्टल एरिया में आपका कम से कम एम थर्टी ग्रेड यूज होना चाहिए फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन के लिए एम थर्टी फाइव होना चाहिए आर सी सी के लिए एम ट्वेंटी होना चाहिए ये सारे अपने आप में क्वेश्चन हैं अब अगर मैं बात करता हूं एम सिक्सटी एंड एम सिक्सटी फाइव यह आपका एक अमेंडमेंट आया था 2015 में न्यूली एडेड न्यूली एडेड इन अमेंडमेंट नंबर फोर 2015 हजार पंद्रह किस में न्यूली एडिट हुआ है आई एस चार सौ छप्पन दो हजार वाले कोड में एक अमेंडमेंट पास हुआ जिसमें एम सिक्सटी और एम सिक्सटी फाइव एड हुआ है तो जनरल कंडीशन में अगर मैं बात करता हूं कुछ कंक्रीट और भी होते हैं लाइकवाइज डीएलसी क्या होता है दैट इज ड्राई लीन कंक्रीट बेसिकली बेस कोर्स के लिए काम करता है रोड वर्क में जनरली यूज फॉर बेस कोर्सिस बेस कोर्सिस इन रोड वर्क रोड वर्क के बेस कोर्स में काम करता है ड्राई लीन कंक्रीट जो होता है वहां पर फाइन एग्रीगेट और यू कैन से कोर्स एग्रीगेट्स ज्यादा होते हैं कोर्स एग्रीगेट्स टू द फाइन एग्रीगेट्स का रेशो बहुत ज्यादा हाई होता है ड्राई लीन कॉन्क्रीट का जो स्लम्प होता है वो जीरो स्लम्प होता है ड्राई लीन कॉन्क्रीट का जो स्लम्प होता है वो आपका जीरो स्लम्प होता है मींस जब आप इसको स्लम्प कौन के अंदर थ्री लेयर्स में पेनिट्रेट करवाएंगे उस टाइम पर कोण को उठाने के बाद फ्रस्टम को उठाने के बाद इसमें से कुछ भी कंक्रीट नीचे नहीं गिरना चाहिए जीरो स्लंप वैल्यू होना चाहिए तो ये आपका ड्राई लीन कॉन्क्रीट है जनरल कैटेगरी में आपका एम टेन ग्रेड इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ जाता है और यू कैन से मैक्सिमम आप एम टेन से एम पंद्रह ग्रेड की कैटेगरी को आप लोग लीन कंक्रीट बोल सकते हैं लीन कंक्रीट बोल सकते हैं बेसिकली अगर मैं बिल्डिंग्स की बात करूं तो ये फाउंडेशंस के लिए भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो तो बेसिकली यूज फॉर फाउंडेशंस इन बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स में आप फाउंडेशंस के लिए भी इसको यूज कर सकते हो और यू कैन से आप सीधी सी बात समझ लो यार पीसीसी जहां पर होती है प्लेन सीमेंट कंक्रीट जहां पर होता है विदाउट रिइंफोर्समेंट आप उसकी जगह पर आप लीन कंक्रीट को यूज कर सकते हो आप ये कॉमन बात समझ लीजिए तो यहां पर अगर मैं एक बात बोलूं भाई आपका जो कंक्रीट है वो कंक्रीट भी आपका दो प्रकार का मैंने कैटेगराइज करवा दिया वन इज कॉल्ड एज ए प्लेन कॉन्क्रीट प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट दैट इज पीसीसी और एक प्रकार से लीन कॉन्क्रीट की कैटेगरी में ही यह आता है कंक्रीट की कैटेगरी में ही आता है और जनरल केस में रीनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट री इनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट आरसीसी, आरसीसी अब अगर मैं बात करूं और कुछ भी और भी प्रकार के आपके कंक्रीट होते हैं लाइकवाइज पी पीक्यूसी पी पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट भाई जहां पर पेवमेंट जहां पर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट होती है सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट्स के लिए काम आता है जहां पर ट्रैफिक की कैपेसिटी और ट्रैफिक की डेंसिटी ज्यादा हो वहां पर काम आता है एक उपका होता है वीडीएफ दैट इज वैक्यूम डी वाटर फ्लोरिंग वैक्यूम डी वाटर्ड फ्लोरिंग पीक्यूसी में बेसिकली आपका जो मिनिमम ग्रेड है मिनिमम ग्रेड है वो आपका एम थर्टी रहता है और वैक्यूम डिवर्टर फ्लोरिंग में बेसिकली यहां पर विद द हेल्प ऑफ सक्सन इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम इफेक्ट सक्सन इफेक्ट होता है सक्सन या वैक्यूम इफेक्ट होता है जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज में रोड की वीरिंग uh, सरफेस के काम आता है यूजड एज वियरिंग सरफेस वीअरिंग सरफेस इन इंडस्ट्रियल एरियाज और इंडस्ट्रीज कर लीजिए आप इसको आप इसको इन इंडस्ट्रीज इन इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज में यह आपका वियरिंग सरफेस की तरह काम करता है वीडीएफ तो ये थे जी हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट आप इसको नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ओके okay, चले आगे हां जी इसका स्क्रीनशॉट लिया ओके डन आई हाँ जी तो अगर मैं बात करता हूं नोट में हमारी कुछ एक्सपोजर कंडीशंस होती है जिसके हिसाब से हम लोगों को नॉमिनल कवर क्लियर कवर चूज करना पड़ता है ये सारी एक्सपोजर कंडीशंस ह्यूमिडिटी टेम्परेचर और दैट पार्टिकुलर लोकेशन उसके ऊपर डिपेंडेंट करती हैं उसके ऊपर डिपेंड करती हैं तो जनरली देयर आर फाइव कैटेगरीज फाइव कैटेगरीज ऑफ ए वेदर कंडीशन और एक्सपोजर कंडीशन फाइव कैटेगरीज ऑफ एक्सपोजर कंडीशंस कौन कौन सी भाई देखिएगा ध्यान से माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर और नंबर पांच इज एक्सट्रीम ये सारी कंडीशंस डिपेंड करती हैं डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशंस इन सभी कंडीशंस के आधार पर हम लोगों का नॉमिनल कवर वगैरह हमें चूज करना पड़ता है जो एक्सट्रीम कंडीशन है ये बेसिकली अगर मैं गल्फ कंट्रीज की बात करूं एग्जाम्पल कतर यमन ओमान साउद साओध, साउदी अरेबिया एट एक्स्ट्रा तो ये थी आपकी जनरल कंडीशंस इनके बेरे, इनके बारे में अब जनरल केस में अगर मैं इनमें नॉमिनल कवर की बात करूं कि कहां पर कितना नॉमिनल कवर होता है तो एक बार देख लीजिए टेबल से तो देखिएगा माइल्ड कंडीशन के लिए माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए मिनिमम ग्रेड हमारा एम ट्वेंटी मिनिमम नॉमिनल कवर अभी समझाता हूं नॉमिनल कवर क्या होता है ट्वेंटी एमएम मॉडरेट के लिए एम ट्वेंटी फाइव मिनिमम नॉमिनल कवर थर्टी एम सीवियर के लिए एम थर्टी मिनिमम नोमिनल कवर आपका फोर्टी फाइव एम वेरी सीवियर कंडीशन के लिए एम थर्टी फाइव मिनिमम नॉमिनल कवर पचास एमएम एक्सट्रीम कंडीशन के लिए गल्फ कंट्रीज के लिए एम फोर्टी मिनिमम नॉमिनल कवर आपका सेवनटी फाइव एम एम अब हम बात कर लेते हैं ये नॉमिनल कवर क्या होता है लेट अस सपोज दैट यहां पर मैंने केवल फिलहाल में समझाने के लिए बात बोल रहा हूं आपको मान लीजिए ये हमारा कोई डब्ली रिफोर्स बीम है इस बीम का मैंने क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया है फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोई एक बीम था सब्जेक्टेड टू यूडीएल ओवर इंटायर लेंथ जिसकी लेंथ एल थी जिसके ऊपर लोडिंग डब्लू किलोमीटर पर मीटर था तो अगर मैं इस बीम का एक क्रोसेक्शन खींचता हूं क्रो सेक्शन ए ए तो यही डायग्राम आपका इसी को दिखाएगा क्रो सेक्शन ए ए यहां पर हमारा न्यूट्रल एक्सिस होता है न्यूट्रल एक्सिस जो कि पूरे एरिया को कंप्रेशन एंड टेंशन में डिवाइड करता है यहां पर क्योंकि टेंशन में मेनली स्ट्रॉग आपका रिइंफोर्समेंट रहता है तो इसका एरिया मैंने ए एस टी बोल दिया और ये मैं केवल आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूं कि आपका नॉमिनल कवर क्या है सेंटर ऑफ रिइंफोर्समेंट से आउटर ऑफ द बींग जो कवर आपका होता है दैट कवर इज कॉल्ड एज नॉमिनल और इफेक्टिव कवर लेट लेटपोज दैट ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम इज कैपिटल डी कैपिटल डी तो इफेक्टिव डेप्थ आपका कितना होगा स्मॉल डी होगा स्मॉल डी इज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम बी इज वेड ऑफ द बीम बी आपका क्या है वेड ऑफ द बीम है बी इज द वेड ऑफ बीम छोटा डी इफेक्टिव डेप्थ है ये नॉमिनल कवर है तो मैं कह सकता हूं क्या ओवरऑल डेप्थ जो होगा ये ओवरऑल डेप्थ किसके बराबर होगा ओवरऑल डेप्थ ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम विल बी इफेक्टिव डेप्थ प्लस नॉमिनल कवर इफेक्टिव डेप्थ प्लस नॉमिनल कवर इसके बराबर होगा अब हम बात कर लेते हैं भाई क्लियर कवर क्या होता है वो तो देख लो क्लियर कवर क्या होता है री एनफोर्समेंट के एक्सट्रीम फाइबर से और बीम के एक्सट्रीम फाइबर तक आपका कवर इज कॉल्ड एज क्लियर कवर देखिएगा मैं इसको मैं आपको डायग्राम से दोबारा बता देता हूँ ये इतना नोट कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं ओके आइए तो अगर मैं बात बोलता हूं देखिएगा ये हमारा कोई भी सिंगली री बीम है ये री है सेंटर से यहां तक इज कॉल्ड एज नॉमिनल कवर और इफेक्टिव कवर एंड आउटर फाइबर से मैं इसको थोड़ा सा एक्सट्रीम बना देता हूं सच देट के आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी ये लीजिए ये आपका था नॉमिनल कवर अगर मैं बात करता हूं इस रिइंफोर्समेंट के बॉटम से और यहां तक जो कवर होगा दैट विल बी आवर क्लियर कवर सिमिलरली अगर ये हमारा बीम डबली रीनफोर्स होता तो ऊपर भी री होती दिस इज एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन एंड दिस इज एरिया ऑफ स्टील किस जोन में कंप्रेशन जोन में एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन और यहां पर एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन ए एस टी एस सी तो यहां पर भी ये आपका कवर कौन सा हो जाएगा क्लियर कवर हो जाएगा और सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर तक जो आपका कवर होगा दैट इज विल बी नोमिनल कवर और इफेक्टिव कवर तो आप लोगों को ये बातें याद रखनी है सो माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग अभी सीमेंट कॉन्क्रीट का बहुत सारा पोर्सन पेंडिंग है स्टील रेनफोर्समेंट का बहुत सारा पोर्सन पेंडिंग है फंडामेंटल ऑफ आरसीसी में ये हमारा लेक्चर नंबर वन था सो हम लोग मिलते हैं हमारे सेकेंड वीडियो में यहां से कंटिन्यू हम लोग करेंगे थैंक यू सो मच गुड बाय कीप लर्निंग